गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन। एचटीएमएल का यूज़ कहाँ पे होता है, उससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये सब इस पार्ट में देखेंगे। फर्स्टली एचटीएमएल का फुल फॉर्म देखेंगे। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इससे आप लोग वेबसाइट वेब पेजेस बना सकते हैं, खुद की एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइनर होगा तो उसका खुद का एक पोर्टफोलियो भी बना सकता है। अभी एचटीएमएल का यूज़ कहाँ पे होता है, जो भी आप वेब वेब डेवलपमेंट में जो भी पेजेस बनाएंगे, मतलब वेबसाइट, वहाँ पे एचटीएमएल का ही स्ट्रक्चर रहता है पूरा, उससे ही वो वेब पेज बनता है। उसमें क्या क्या आता है फिर, एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। इसका मतलब जो भी वेब पेज होगा, लाइक एग्जांपल, अभी एक मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, ये देखो यहाँ पे इस वेब पेज पे, यहाँ पे ऊपर एक नया बार है, लेबल है, इनपुट बॉक्स है, बटन है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका डेटा दिया है, यहाँ पे फिर से एक हेडिंग टैग यूज किया है, पैराग्राफ टैग यूज किया है, ये सब एचटीएमएल के थ्रू ही किया है। और यहाँ पे भी ये देखो एक इमेज सेट की है, ये भी एचटीएमएल का ही यूज करके किया है सब। ये सब चीजें एचटीएमएल में आप हम लोग पढ़ने वाले हैं। एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब है कि जो पूरे जितने भी एचटीएमएल के टैग है, टैग और एलिमेंट एक ही होता है, जो सब एलिमेंट्स यूज करके एक वेब पेज बनाने का है, उसको वो सब एचटीएमएल यूज करके बना सकते हैं। हर एक वेबसाइट में एचटीएमएल का एक पेज रहता है। एचटीएमएल एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ये एचटीएमएल क्या करता है, बेसिकली डिस्प्ले द कंटेंट, मतलब अभी ये देखो यहाँ पे इस वेबसाइट पे, यहाँ पे एक हेडिंग टैग में डिस्प्ले किया है, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ टैग यूज करके ये कंटेंट डिस्प्ले किया है। बेसिकली एचटीएमएल क्या करता है, शो द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, जो भी वेबसाइट पर डेटा रहेगा वो शो कर सकते हैं एचटीएमएल के द्वारा। एचटीएमएल एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक एक्सट्रेक्शन। एचटीएमएल में बहुत सारे टैग रहते हैं, हेडिंग टैग रहता है, पैराग्राफ टैग रहता है, लिंक टैग रहता है, इमेज टैग रहता है, बहुत सारे टैग रहते हैं, वो सब एक एक करके हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, व्हाई लर्न एचटीएमएल। अभी ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों क्यों लर्न करना चाहिए एचटीएमएल, उसके फायदे, मेक अ वेबसाइट और वेब पेजेस। आप खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं, इस एचटीएमएल को आप करियर भी बना सकते हैं आपका एज अ वेब डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर, आपको फ्रंट एंड डेवलपर पे भी जॉब मिल सकता है ये सीखने के बाद। और उसके आगे एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, इसके भी वीडियो आने वाले हैं। ये पूरा फ्रंट एंड का कोर्स रहेगा, और इसमें अल्सो वर्क ऑन फ्रीलांसर, ये मतलब अभी आप प्रोजेक्ट भी, ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी ढूंढ सकते हैं, उससे आपको इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा। लाइक फ्रीलांसर वेबसाइट है, फेवर है, ऐसे दो तीन वेबसाइट है, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं और मिलते भी है प्रोजेक्ट। अभी स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, अभी कोड एडिटर, ये कोड एडिटर तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे हैं अभी, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, सबलिमी टेक्स्ट, नोट पैड प्लस प्लस, बहुत सारे हैं। ज़्यादातर वेब डेवलपर वीएस कोड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका फायदा क्या है कि उसको वीएस कोड में उसका टर्मिनल भी इनबिल्ड है। जैसे सबलिमी टेक्स्ट भी एक अच्छा एडिटर है, नोट पैड प्लस प्लस। अभी आप पहले वीएस कोड इंस्टॉल करके रखो,
यहाँ पे लिंक दी है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का, यहाँ पे गूगल पे सर्च करने का वीएस कोड, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने का। उसके बाद विंडोज़ जो भी आपके पास होगा, विंडोज़ होगा, मैक होगा, उबंटू होगा, तो यहाँ से वो डाउनलोड कर लेने का। डाउनलोड विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद सेट, अभी मैंने तो इंस्टॉल किया है। उसके बाद ये exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसको इंस्टॉल करने का इजी स्टेप है, वो हर कोई कर लेगा। इंस्टॉल होने के बाद अभी अपना HTML का पेज आउटपुट का देखने का, एक आउटपुट ब्राउजर पे ही मिल जाता है उसका। यहाँ पे तो कौन कौन से ब्राउजर यूज कर सकते हैं, क्रोमो है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा है। यहाँ पे सब HTML का आउटपुट या हर एक ब्राउजर पे देख सकते हैं, पर मोस्टली यूज क्रोमो करने का है। विच HTML वर्जन, अभी देखो यहाँ पे HTML 4, HTML 5, अभी जो लेटेस्ट आया है HTML 5 है। वो ये दोनों के भी टैग, और उस HTML 4 में जो टैग है, HTML 5 में कौन से नहीं है, कौन से ऐड हुए, वो सब इस वेब सीरीज में देखने वाले हैं।